खरगोन नगर पालिका परिषद चुनाव में भाजपा की छाया जोशी विजय हुई। भाजपा को 23 वोट प्राप्त हुए, वहीं कांग्रेस को 4 वोट मिले, 6 वोट नोटा को डले। नगर पालिका उपाध्यक्ष भाजपा के भोलू कर्मा विजय रहे। नगर पालिका परिषद के 33 वार्ड थे। जीत के बाद हर्षोल्लास से नगर में जुलूस निकाला गया। वहीं नव निर्वाचित अध्यक्ष छाया जोशी ने विकास की जीत बताई। आगे चल के शहर का विकास करेंगे, साथ ही यह जीत संगठन और भाजपा की जीत है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, देशभक्ति और वंदे मातरम के नारे लगे। संवाददाता शेखर कौशल की रिपोर्ट। मेरी जीत नहीं है, मैं नगर पालिका की जीत, मेरी जीत नहीं है, नगर पालिका में खरगोन की जीत हुई है। मेरे नगर के नगर वासियों की जीत हुई है, मेरे पार्षदों के साथ में यहाँ पर जीत के आई हूँ। नगर पालिका शहर को के विकास की प्राथमिकता रहेगी। किन इशू का किन पर काम पहले करेंगे आप? अभी काम अभी तो मैं अभी आई हूँ, उसके बाद सोच देखूंगी कि क्या क्या काम रहे हैं। अभी जो भी विकास के कार्य होंगे पूरी नगर के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं आपने सोची है? अभी अभी योजनाएं कहाँ से बता दो, अभी अभी योजनाएं बता दो, अब बैठे तो सही, अभी तो चुन के ही आए, देखेंगे विकास तो होगा ही होगा। नगर में योजनाएं बनाएंगे, योजनाएं बना के फिर विकास करेंगे नगर। आपकी सफलता श्रेय किसको देना चाहेंगे? संगठन भाजपा को और मेरे जो पार्षदगण उनको और मेरे जो नगर के वरिष्ठ सभी कार्यकर्ता और जितने भी वार्ड हैं उनको भी मैं श्रेय दूंगी कि मेरे इतने पार्षद और मेरे साथ सब खड़े हैं। महिलाओं के महिला होने के नाते क्या प्राथमिकता रहेगी? पूरी महिला होने के नाते पूरी प्राथमिकता रहेगी, जो मेरे को करना है वो तो महिलाओं के लिए भी करना है, पूरे सबके लिए करना है। उपाध्यक्ष बनने का अवसर मिला, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, ये जीत मेरी जीत नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता की जीत है, नगर की जीत है, और हम इस नगर को एक मध्य प्रदेश में आदर्श नगर बनाकर घोषित करेंगे हम सब पार्षद साथियों के साथ। और हम सब पार्षदों का बहुत बहुत सहयोग रहा और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। शहर को अब तक नर्मदा का पानी नहीं मिल पाया है, क्या रहे? ये हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी, जिस प्रकार से नगर में ड्रेनेज वगैरह की जो व्यवस्था हो रही है उसको सुधारना, प्लस पेय व्यवस्था में आप जो बता रहे नर्मदा जल उनको पूरा लाना, जल्द जल्द हम इसकी प्राथमिकता को पूर्ण करेंगे। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता ये जो हमारे यहाँ पे सुरक्षा की जो सुरक्षा को लेकर हम काम करेंगे और जो ड्रेनेज वगैरह की जो असुविधा हो रही है इसको हम थोड़ा पहले प्रयास करेंगे कि नगर में जो असुविधा हो रही है हम पहले।